हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम घर पे ही हेयर कंडीशनर कैसे बनाएं और उसको कैसे कैसे लगाएं और कितनी देर तक लगाएं, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस हेयर कंडीशनर को हमें शैम्पू के बाद नहीं बल्कि उसके पहले लगाना है, और जो बालों को डीप कंडीशन कर देगा और अपने इसमें एक ऐसी चीज मिलाएंगे जिसकी वजह से बालों में एक अच्छी फ्रेग्रेंस, एक अच्छी खुशबू भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेथी पाउडर लिया है। मेथी के सीड है घर पे, उनको ग्राइंड कर लीजिए और एक फाइन पेस्ट अपने को, जैसा मैंने यहाँ पे ले रखा है ऐसा एक फाइन पाउडर, बिल्कुल बारीक पाउडर अपने को बना लेना है, ताकि वो अच्छे से कोई भी कैरियर ऑयल या किसी में अपने डालने वाले हैं उसमें मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले अपने मेथी का पाउडर बना लेंगे फाइन, बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब बिल्कुल पाउडर जैसी कंसिस्टेंसी उसकी अपने रखेंगे। और फिर उसके बाद अपने उसमें मिलाएंगे 2 या 3 चम्मच एलोवेरा जेल। मेथी अपने बालों को मजबूत करेगी, वो हाइड्रेशन भी बालों को देगी, और बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन के लिए अपने इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे। इससे बालों में एक शाइन आएगी, बाल सिल्की होंगे। और आप ये जो एलोवेरा जेल है, मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच लिया है। अगर आपके बाल और ज़्यादा लंबे हैं, मेरे बालों की लेंथ इतनी है, तो अगर आपके बाल इससे भी लंबे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं अगर आपके बालों की डेंसिटी ज्यादा है तो। और इसके बाद में अपने इसमें मिक्स करेंगे नारियल का तेल। नारियल का तेल बहुत ही लाइट होता है और बालों को कंडीशन करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ नारियल का तेल लिया है। अगर आप नारियल के तेल के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप ओलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बहुत भारी होता है, तो अगर आपको सूट करता है तो ही आप इसको यूज़ करिएगा। तो इसके लिए आप या तो नारियल का तेल लीजिए, अगर वो आप नहीं यूज़ करते तो रेगुलर आप जो भी हेयर ऑयलिंग के लिए यूज़ करते हैं ऑयल, वो ऑयल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ 5 से 6 चम्मच नारियल का तेल लिया है, तो ये जो पेस्ट है बिल्कुल थिक पेस्ट बन गया है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी, और इस थिक पेस्ट को 10 मिनट के लिए रखने के बाद, ताकि ये जो चीजें हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, इनकी जो गुडनेस है आपस में मिल जाए और ये एक अच्छा पेस्ट बन जाए, बालों में आसानी से लग जाए। और इसके बाद मैं बताऊंगी कि 10 मिनट के बाद इसको कैसे लगाएंगे और बालों में इसको लगाने से पहले अपने क्या लगाने वाले हैं जिससे कि बालों में फ्रेग्रेंस भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस हेयर मास्क को लगाना। बट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए यूजफुल है, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही यूजफुल टिप्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने बालों को कॉम कर लेंगे। कॉम करने के लिए मैंने, कॉम करने का सही तरीका क्या है इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं बालों को कॉम करने का सही तरीका क्या है। फ्रेग्रेंस के लिए और वो है रोज वाटर। रोज वाटर बालों में एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देता है, और ये लगाएंगे तो ये जो अपना मास्क है ये अच्छे से बालों में स्टिक भी हो जाएगा। तो मैंने ये एक स्प्रे बोतल में डाल रखा है, नॉर्मल रोज वाटर है, और इसको मैं अपने हेयर स्टैंड्स पे और हेयर रूट्स पे स्प्रे करूंगी। थोड़ा मैं इसको जो पेस्ट बनाया था इसमें भी डाल लूंगी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा ये लिक्विड इसमें आ जाएगा, तो बालों में लगाने में इसको आसानी होगी। इसको करके अपने मिक्स कर लेंगे।
ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, मेथी एक्चुअली एब्जॉर्ब कर लेती है ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत गाढ़ा हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा नारियल का तेल और ऐड करूँगी। तीन से चार चम्मच नारियल का तेल मैंने और ऐड किया है। अब इसको मिक्स करके अब अपने इसको बालों में लगाएंगे, बालों का पार्टीशन करेंगे, हेयर रूट से हेयर स्ट्रैंड्स तक अपने इसको लगाएंगे। ये पेस्ट मेरे बालों में बिल्कुल अच्छे से लग गया है और अब मैं हेयर्स को एक हेयर क्लिप की मदद से टाई कर लूंगी। आप चाहे तो आप इसकी चोटी भी बना के रख सकते हैं, बट मैं चोटी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने अपने हेयर टाई कर लिए हैं। अब इस हेयर मास्क को अपने 30 मिनट तक लगा के रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि ये जो पाउडर है ये बालों में बिल्कुल स्टिक हो जाएगा और आपको उतारने में दिक्कत आएगी। तो आप इस हेयर मास्क को उतारिए और अपने बालों में एक शाइन फील कीजिए। तो इसको शैम्पू से पहले लगाना है, हफ्ते में एक बार जरूर लगाना है और इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं। तो इसको लगाइए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले और कितनी जल्दी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।